दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके। वैसे तो बीजेपी की रणनीति और मास्टर प्लान से आप सब अच्छे से वाकिफ है, तभी तो वो हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जनता का दिल जीत ही लेती है। अब बीजेपी केरल में अपने मास्टर प्लान के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने केरल चुनाव जीतने के लिए नागालैंड प्लान बना रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर नागालैंड प्लान क्या है। दरअसल आमतौर पर राजनीतिक विरोधी बीजेपी को माइनॉरिटी विरोधी बुलाते हैं, लेकिन दिल्ली के एक चर्च में जाने के बाद केरला में पीएम नरेंद्र मोदी 7 क्रिश्चियन पास्टर से मिले। वैसे भी लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही है कि यूपी बिहार में पसमांदा मुस्लिम से लेकर मणिपुर और केरला जैसे राज्यों में बीजेपी ईसाइयों को करीब लाने की तैयारी में है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह देश के दक्षिणी राज्य केरल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वोटर मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई योजनाओं की शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा की राजनीति में भी नई शुरुआत करते हुए चर्च के प्रतिनिधियों से भी मीटिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर सायरो मालाबार चर्च के आर्क बिशप कार्डिनल एलन चेरी ने कहा कि केरल के लोग प्रधानमंत्री के विकास को लेकर सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कुल 7 बिशपों से मुलाकात की है और इस दौरान उत्तर भारत में चर्च के कुछ लोगों पर हमलों को लेकर भी बात हुई। वहीं ईसाई धर्मगुरुओं से पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं। 18 लोकसभा सीटों वाले केरल से भाजपा का कोई सांसद नहीं है। इतना ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वो कोई सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में भाजपा का ये रुख मायने रखता है, इसे विपक्ष अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। एक तरफ भाजपा ने यूपी से निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, तो वहीं केरल में ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात की है। नागालैंड में भी हाल ही में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसे उसने काफी प्रचारित किया था और कहा था कि ये उस एजेंडे को जवाब है जिसमें हमें ईसाइयों के खिलाफ बताया जाता है। नागालैंड के बाद केरल ऐसा दूसरा ईसाई आबादी वाला राज्य है जहां भाजपा ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। राज्य में ईसाइयों की आबादी करीब 18% है। अब तक भाजपा राज्य में एक विधानसभा सीट से ज्यादा नहीं जीत सकी है। कम्युनिस्ट सरकार वाले इस राज्य में एक लंबा इतिहास आरएसएस और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों का रहा है, फिर भी यहां देश भर के मुकाबले काफी कमजोर रही। माना जाता है कि इसकी वजह मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों की अच्छी आबादी है। ऐसे में भाजपा सिर्फ हिंदू वोटों के सहारे केरल की राजनीति में जगह नहीं बना सकती। शायद यही वजह है कि भाजपा रणनीति बदलते हुए ईसाई समुदाय के नेताओं से मिल रही है। दरअसल राज्य में लव जिहाद का मुद्दा भी हावी रहा है। यहाँ ईसाई समुदाय का एक वर्ग तब जिहाद आरोप लगाता रहा। ऐसा एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। ऐसे में भाजपा यहाँ ईसाई समुदाय को लुभाने में अपने स्कोप देख रही है। खासतौर पर दक्षिण में कर्नाटक से आगे ना बढ़ पाने वाली भाजपा को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से यहाँ नई शुरुआत हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।